है बॉलीवुड क्रेजी। आज मैं बात करूंगा उन्नाव केस के बारे में। कल मैंने इसके बारे में बात की थी और मैंने कहा था कि किस तरह से इस चीजों ने मेरा दिल दुखाया है, या मुझे बहुत तकलीफ हुई है कि भारत देश में इस तरह की भी घटनाएं होती है जहां पर कहीं ना कहीं एक गरीब परिवार के ऊपर इतना ज्यादा अत्याचार होने के बावजूद उन्हें इंसाफ के लिए दर दर भटकना पड़ता है, लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिलता है। एक 18 साल की युवती के साथ रेप करने के बावजूद उसके पिताजी को मारा जाता है, उसके पिताजी की डेथ होती है और अभी तक कोई इस पर प्रॉपर तरह से इंसाफ नहीं मिला है। ऐसे में ये केस बहुत ही आई थिंक ऐसे मोड़ पर आ चुका है जहां पर अब मीडिया भी इसे हाईलाइट कर रही है, हर कोई इसे हाईलाइट कर रहा है और बीजेपी गवर्नमेंट पे भी प्रेशर आ रहा है। अब देखते हैं इस केस में क्या होता है। जो इस केस में नई अपडेट है वो मैं आपको बताऊंगा। आप सोचोगे कि यार मेरा क्या जुड़ा हुआ, मैं क्यों इतना इसके बारे में बता रहा हूँ, लेकिन हाँ, हमारा भी कुछ फर्ज बनता है जब कुछ अलग जब कुछ मतलब गलत होता है, हमें उसके उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की हमारे हमारे भी जो हमारे पास माध्यम उसे हम कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है मैं ऐसी वैसी बातें कर रहा हूँ तो चलिए आपको बता देता हूँ उन्नाव केस के बारे में। जी हाँ, ये उन्नाव केस ट्रेंड हो रहा है। जी हाँ, ये ट्रेंड हो रहा है उन्नाव केस। कितने नंबर पर ट्रेंड हो रहा है? सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर पे जब उन्नाव केस ट्रेंड हो रहा है, इसका मतलब साफ है कि देश जाग चुका है, लोग जाग चुके हैं और उन्नाव केस के ऊपर अपनी अपनी राय सब रख रहे हैं। मैंने उन्नाव केस पे जैसे ही क्लिक किया, मुझे सबसे पहले ये चीज सामने आई कि यूपी गवर्नमेंट ने हैंडओवर कर दिया है। जी हाँ, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम कल परसों बनाई गई थी, लेकिन अब इस केस को सीबीआई के पास हैंडओवर कर दिया गया है। एफआईआर लॉन्च कर दी गई किसके खिलाफ? एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ, जो बीजेपी के एमएलए है। ठीक है, तो कुलदीप सिंह सेंगर जिनका फोटो मैंने अभी आपको दिखाया था, इनकी तरफ से साफ साफ है कि यार हमारे खिलाफ साजिश रची जा रही है। गाँव के लोग और इस तरह की कोई खुद को क्यों कहेगा कि हाँ मेरे साथ इस तरह का जघन्य अपराध हुआ है जैसा, और क्यों अपनी चीज़ों को उछालेगा। और इसकी इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आई थिंक रुकनी चाहिए। और यहाँ पर कुछ और चीज़ें आपको अपडेट कर देता हूँ। हर तरह के जो लोग हैं अपनी अपनी राय रख रहे हैं इस पूरे केस के ऊपर। बड़े से बड़े बहुत बड़ी सीनियर जर्नलिस्ट है बरखा दत्त ने भी अपनी राय रखी है। हर कोई अपनी अपनी राय रख रहा है कि इस केस के बारे में। ये उसके पिता है जिसकी मौत हो गई थी, मौत मतलब जिसे मारा गया था कहा जा रहा है, वीडियो में खुद उसके पिताजी ने कबूला है। जब इस तरह की बदसलूकी की जाती, बेरहमी की जाती, तो ऐसे में एकदम दिल दहल उठता है कि यार ये क्या हो रहा है, ये क्या हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जहाँ पर कोई कोई मतलब कुछ लॉ एंड ऑर्डर है नहीं और जिसको जो मन में आता है वो कर देता है। आपको बताओ इस केस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ और क्या है। इस केस में दो डॉक्टर को भी सस्पेंड कर दिया गया है। सीधी सी बात है, डॉक्टर के ऊपर यही इल्ज़ाम लगा कि आपने सीधी तरह सही तरह से ना चीज़ें इन्वेस्टिगेट नहीं किए। देख सकते हैं, फर्दर इन्वेस्टिगेट टू डॉक्टर्स एंड वन सीईओ टू बी सस्पेंडेड, यानी कि सस्पेंड कर दिया गया है दो डॉक्टर एंड सीईओ को। देख सकते हैं, टू डॉक्टर्स एंड वन सीईओ सस्पेंडेड ओवर निगलिजेंस इन हैंडलिंग द केस, यानी कि उन्होंने केस को बराबर हैंडल नहीं किया। डॉक्टर के ऊपर भी इल्ज़ाम है और पुलिस वाले कुछ अधिकारी को भी सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये सब क्यों, ये सब मिली भगत है भैया, ये सब मिली भगत है। इतने बिना पावर के कोई क्यों करेगा ऐसा? पावर उनके पास था इसलिए तो उन्होंने डॉक्टर्स को भी अपने साथ ले लिया, उन्होंने सभी को अपने साथ ले लिया। और सबसे दुर्दैव वाली बात यह है कि कल एमएलए के कुछ लोग, कुछ क्या काफी लोग गांव में चले गए थे जहां जिनका जहां पे वो जिस लड़की के साथ रेप हुआ था, उस गांव में जाके प्रदर्शन कर रहे कि यार ये गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। यार आप समझो तो सही, पॉलिटिक्स अपनी जगह है, लेकिन ये निर्मम चीज है जो करना, ये कहां तक सही है? और इसीलिए मेरे ख्याल से हमारी सबकी यही रिक्वेस्ट है, हम ये सब चीज़ों को रोकना चाहिए और ये सब चीज़ों पे जल्द से जल्द आई थिंक सज़ा मिलनी चाहिए कल्पित को। सीबीआई के पास गया है, ये बहुत अच्छा अच्छी बात है। यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको बता दो, अगर आपको नहीं पता होगी तो देखिए। द बेस फैक्ट्स ऑफ उन्नाव केस, टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल है। दिस यंग वुमेन हु एलिज दैट शी हैज़ बीन गैंग रेप्ड बाय बीजेपी एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर एंड इज एसोसिएट, यानी कि बीजेपी एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर और उसके एसोसिएट्स ने उसके साथ रेप किया है। द डिसरिगार्ड बाय द पुलिस, यानी कि पुलिस ने उसकी कंप्लेंट लिखी नहीं पहली बात, तो स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद उस लड़की के पास कुछ बचा नहीं तो वो चीफ मिनिस्टर यानी कि यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के घर के बाहर प्रदर्शन करने चले गए। उसके बाद वहाँ उसे उसके पिताजी को भी मारा गया लड़की के, और आपको पता है उसके पिताजी की डेथ हो गई है। पुलिस ने इस केस में फिलहाल आर्म्स एक्ट के तहत जिन लोगों ने उसके पिताजी को मारा था वो पुलिस लॉकर में मारा, भाई ये ध्यान दीजिए, पुलिस लॉकर में मारा गया बंदा।
तो दिस इज अ सिचुएशन रेजिंग, पुलिस लॉ को मतलब पीटा गया, दिस इज सिचुएशन रेजिंग डिस्टर्बिंग क्वेश्चन अबाउट स्नेगर्स पोजिशन ऑफ पावर एंड ऑब्स्ट्रक्टिंग जस्टिस। तो ये एक बहुत बड़ा केस है। अब देखते हैं इस केस में किस तरह से पुलिस अपनी मतलब सीबीआई अपना केस करती है, किस तरह से लड़ती है। लेकिन हाँ, इस तरह की चीज़ें रुकनी चाहिए, अदरवाइज इस तरह की चीज़ें होगी तो लॉ एंड ऑर्डर पर से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। योगी गवर्नमेंट जो है उनको फटाफट इन सब चीज़ों पर अपनी राय रखनी चाहिए। और हाँ, इस केस में फिलहाल एमनेस्टी इंटरनेशनल यानी कि जो ह्यूमन राइट्स कमीशन वगैरह सब आई थिंक सपोर्ट में आ रहे हैं उस बच्ची के, आई मीन लड़की के और उसके पूरी फैमिली के, क्योंकि ये जो चीज़ हुई है इसने सभी को झकझोर के रख दिया है। और इसलिए मैंने ये दोबारा वीडियो बनाया कि इस केस में अब अपडेट्स हो रहे हैं और ये फिलहाल दूसरे नंबर पर ट्रेंड हो रहा है सोशल मीडिया पर। यानी कि साफ है कि इस तरह के केसेस में सब लोग दुखी हुए हैं और इस तरह के केसेस ना हो, इसलिए हर कोई अपनी अपनी राय रख रहा है। आपकी क्या राय है इसके बारे में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो अच्छा, तो नहीं लगेगा सीधी से बात बुरा ही लगेगा। आपकी क्या राय है ज़रूर बताइए। चलिए फिलहाल कितना ही, बाय बाय।